महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब की तारीफ में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बुधवार को दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इसमें दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई। हालत काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। कोल्हापुर के एसपी महेंद्र पंडित ने बताया कि मंगलवार को व्हाट्सएप ग्रुप पर औरंगजेब की तारीफ में कुछ लोगों ने एक पोस्ट वायरल किया था। बुधवार को इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद का ऐलान किया था। वे इन लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। एसपी पंडित के मुताबिक हिंदू संगठनों ने आज शहर के दशहरा चौक, टाउन हॉल, लक्ष्मीपुरा आदि इलाकों में पथराव करते हुए प्रदर्शन किया। इससे पूरे जिले में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। पुलिस ने तत्काल लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया और स्थिति पर काबू पाया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। लोगों से शांत रहने की अपील की गई है। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। इधर लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन में व्हाट्सएप पोस्ट को लेकर दो लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। घटना की जांच की जा रही है। इलाके में 19 जून तक धारा 144 लगा दी गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर की घटना पर कहा, महाराष्ट्र में कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है। वे औरंगजेब की फोटो दिखाते रखते और स्टेटस लगाते हैं। इस कारण समाज में दुर्भावना और तनाव पैदा हो रहा है। सवाल यह है कि अचानक औरंगजेब की इतनी औलादे कहां से पैदा हो गई? इनका असली मालिक कौन है, वो हम ढूंढेंगे। परिस्थिति नियंत्रण में है। लोगों से अपील है कि वो कानून अपने हाथ में ना ले। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अगर कोई औरंगजेब की तारीफ में फोटो या पोस्टर लगाता है तो क्या उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर पर हमला या हिंसा करने की जरूरत है? पवार ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है। कुछ लोग जानबूझकर भेदभाव कर रहे हैं। राज्य में शांति स्थापित करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उनसे जुड़े लोग सड़कों पर उतरने लगे तो अहिंसा से कटुता पैदा होना ठीक नहीं है। जो हो रहा है उसके पीछे एक विचारधारा है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।